बार बार दिल्ली सरकार की नीति भी रही, कांग्रेस के समय भी, उसके पहले बीजेपी के समय में भी, कि पढ़ाई लिखाई के संस्थानों के आसपास, मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों के आसपास, गिरजाघरों के आसपास इस तरीके की दुकानें नहीं खुले। शराब नीति के बारे में ठीक है, सीबीआई और ईडीआई, ईडी इस पर जानकारी दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल मुख्यतः सामने निकल कर आते हैं जिसका आज तक जवाब हमें आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से, सिसोदिया से कभी नहीं मिला है। वो बाकी जो भी बताएं कि सीबीआई को मैंने क्या कहा, ईडी को मैंने क्या कहा, उनके पास कोई सबूत है नहीं सबूत है, ये तो सब नाटकीय चीज़ें होती हैं। हमने हर बार देखा है सीबीआई के पास अगर सबूत आते हैं नहीं आते हैं, वो जब केस फाइल होता है उस समय आते हैं। ये कोई वो थोड़ी होता है, टीवी की डिबेट थोड़ी होती है कि मैंने क्या कहा उसने क्या कहा, लेकिन ये हर चीज़ को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने की जो कोशिश करते हैं, चलिए खैर उनकी राजनीति है। लेकिन एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि जो शराब नीति भली भांति दिल्ली में चल रही थी, और दिल्ली में ये शराब नीति की कुछ दुकानें सरकार चलाएगी और कुछ सीमित तरीके से उनको हम प्राइवेट को देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत तमाम सरकारों ने दिल्ली में किया है। हर राज्य का, हर राज्य के लोगों का अपना एक कैरेक्टर होता है, उस हिसाब से हर राज्य जो है अपने तरीके से शराब की नीति बनाता है। और दिल्ली में हमेशा ये माना जाता था कि सरकारी दुकानों में ज़्यादा प्रभाव इसलिए रखा जाता है कि एक तो उसमें रेवेन्यू कंट्रोल रहता है, दूसरा क्या है कि हम कितनी दुकानें खोलें कितनी नहीं खोलें और संवेदनशील इलाकों में दुकानें ना खोलें, इसका कंट्रोल दिल्ली सरकार में रहता है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि बार बार दिल्ली सरकार की नीति भी रही, कांग्रेस के समय भी, उसके पहले बीजेपी के समय में भी, कि पढ़ाई लिखाई के संस्थानों के आसपास, मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों के आसपास, गिरजाघरों के आसपास इस तरीके की दुकानें नहीं खुलें, और ज़्यादातर ऐसी जगह खुलें जहाँ सार्वजनिक रूप में लोग कम इकट्ठा होते हों, रहने के इलाके अलग हों, रिहायशी इलाके अलग हों। इस कारण से ये नीतियाँ चलती चली आ रही थी, उसमें ड्यूटी भी मिलती थी, एक्साइज भी मिलती थी, लेकिन इस नीति को बदलने के पीछे क्या कारण है ये आज तक नहीं समझ में आए। और जब कारण नहीं समझ में आता है तो उसकी टाइमिंग सिर्फ समझ में आई। पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव होने थे, गोवा के चुनाव होने थे, 6-8-9 महीने पहले दिल्ली में आम चर्चा आ गई थी कि शराब की नीति में ये लोग बदलाव कर रहे हैं। और ये बात सबको पता है, हमारे पत्रकार मित्रों को भी पता है कि बार बार शराब के ठेकेदार प्राइवेट ठेकेदारों से बातचीत होने लगी, और जो मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि किसी चीज़ का निजीकरण अपने में ही भ्रष्टाचार का प्रतीक है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ था तो इस आदमी ने उस निजीकरण को केवल ये कह के कि निजीकरण ही अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रतीक है, उसने वो इंडस्ट्री जो एक तरीके से किसी न किसी तरह हर तरीके से हम लोग जिसको एथिकल या मॉरल चीज़ों पर जिसको सवाल खड़े करते हैं, वो पूरा का पूरा सेक्टर उन्होंने सरकार से हटाकर निजी क्षेत्र में दे दिया। तो निजीकरण को जो भ्रष्ट मानता था, अब आप समझ लीजिए उसने अगर निजीकरण शराब की ठेकेदारी का किया है तो उसके पीछे क्या मंशा होगी, कम से कम परोपकार की और टैक्स की मंशा तो दिखती नहीं है। इस बात को मैं सीधे सीधे रेखांकित करना चाहता हूँ। दूसरा, क्या इस नीति के बाद टैक्स बढ़ा? जो अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों से आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें ये बात दिखती है कि जहां दिल्ली सरकार को जिस तरीके का टैक्स जिस रेट पर मिलना चाहिए था उसमें कमी आई, सरकारी कंपनियां जो इसको चलाती थी उनके मुनाफे में कमी आई, और करीबन केवल पिछले 6-8 महीने में जिन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इस तरीके का पैसा मिला है उन लोगों को ही अगर आप माने तो 1900 करोड़ के करीब फायदा केवल पिछले 5-6 महीने हुआ जब तक ये नीति चल रही थी। और आखिरी सवाल जो उनसे पूछा जाता है कि अगर आपकी नीति इतनी परोपकारी थी, इतनी जनहित में थी, तो आपने इसको वापस क्यों लिया? नीति वापस लेना अपने आप में इस बात को मानता है कि इस नीति, एक तो नीति गलत थी और नीति के पीछे मंशा गलत थी, इसलिए आगे इन पे कोई तहकीकात हो गई, आगे कोई चीज पकड़ी जाए, इस कारण से नीति को वापस लिया है। बाकी हम इंतजार करेंगे, हम इतना ही उम्मीद करेंगे कि सीबीआई और ईडी निष्ठा से और ईमानदारी से इस पर अपनी तहकीकात करें। कई बार हमने देखा है कि इस तरीके की तहकीकात में भी हम लोगों को शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी के बीच में कुछ संबंध रहते हैं, वो संबंधों के बेसिस पर ये इंक्वायरी होगी या सही में सच और न्याय को देखने के लिए ये इंक्वायरी होगी, इसकी हम आशा करते हैं। मैं यहीं आज की बात खत्म करना चाहता हूँ, केवल 2-3 बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्योंकि देखा है कि अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार चल रही है, 5-6 ऐसे नए मुद्दे निकल कर आए हैं जिसको हम आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार से लिप्त मानते हैं। अगले 3 या 4 दिन में इन सारी के सारी बातों पर आपसे भी हम लोग रूबरू होंगे, और हमने रणनीति बनाई है कि एलजी साहब के पास,
और एलजी साहब के साथ साथ गृह मंत्रालय में इन चारों पांचों चीजों को ले जाकर उनसे हम डिमांड करेंगे कि नए विषयों पर भी जहां वो संभव माने एसीबी को चाहे तो एसीबी को, सीबीआई को चाहे तो सीबीआई को, जिस भी संस्था को चाहे उससे इन चार पांच उन चीजों पर भी तहकीकात करवाएं जहां हमारे पास इस तरीके की जानकारी और कुछ सबूत आए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जितना लिकर में भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ है उसके बराबर ही और चीजों में भी ये काम चल रहे हैं।